एनएलपी से सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग फास्ट हो सकता है, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से अपना लर्निंग जो है सबकॉन्शियस माइंड का वो फास्ट हो सकता है। देखिए, लर्निंग चार प्रकार का होता है। एक है कि अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, पहले नंबर का। इसका मतलब यह है कि मुझे यह नहीं पता कि मुझे क्या नहीं पता, मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है। इसका कोई उदाहरण नहीं है कि मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे मालूम नहीं है। मैंने समझो एक आधा बच्चा है, साल दो साल का, और उसको मालूम ही नहीं कि कार क्या होती है, और उसको ये मालूम नहीं कि कार नाम की कोई चीज़ होती है, ऐसा उसको मालूम भी नहीं है। एक साल का बच्चा है तो उसको मालूम ही नहीं कि उसको मालूम नहीं, उसके वोकेबुलरी में कार नहीं है, एक साल के बच्चे। तो ये पहला अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। फिर नंबर दो है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, मतलब मुझे ये पता है कि मुझे पता नहीं है। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मुझे पता है कि मुझे पता नहीं है। जैसा मुझे यह पता है कि हवाई जहाज मुझे चलाना आता नहीं है, ये मुझे पता है कि ये मुझे पता नहीं है। मुझे यह पता है कि मुझे कार रिपेयरिंग करना आता नहीं है, और ये मुझे पता है कि मुझे ये पता नहीं है। मुझे पता है कि मुझे खाना पकाना नहीं आता, और ये मुझे पता है कि मुझे ये पता नहीं है। सेकंड टाइप ऑफ लर्निंग। थर्ड है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, मतलब मुझे ये पता है कि मुझे वो पता है, और मैं वो सोच सोच कर वो करता हूँ, सोच सोच। इसका एग्जांपल है कि समझो मैं कार चलाना मुझे आता है, और मैं सोच सोच कर कार चला रहा हूँ। मतलब कैसा कि भाई अभी फर्स्ट गियर में डाल दिया, अच्छा अभी मैं सोच रहा हूँ अभी क्या करना, फिर सेकंड गियर में, फिर अभी सोच रहा हूँ, एकदम नया नया कार चलाने वाला हूँ, और मुझे बिल्कुल सोच सोच के गियर बदलना पड़ता है, फिर अभी एक्सीलेटर दबाना क्या, अभी क्लच बदल करना क्या, मतलब क्लच कब प्रेस करना, अभी गियर बदलना क्या, ऐसा। तो मुझे, मैं सोच सोच कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, कि हर काम मैं सोच सोच कर करता हूँ, और वो काम मैं करता हूँ, मगर मुझे सोचना पड़ता है वो काम करने के लिए, और उसमें मास्टरी नहीं है, सोच कर करना पड़ता है। ये हो गया तीसरी टाइप ऑफ लर्निंग। और चौथी टाइप जो है लर्निंग की, वो है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस मतलब मुझे पता ही नहीं कि मुझे काम ये कर रहा हूँ करके, मतलब ये काम कर रहा हूँ मुझे पता ही नहीं, मतलब वो काम इतना ऑटोमेटिक कर रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि वो मैं काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं कार चला रहा हूँ, इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि भाई कार चलाते चलाते मैं गाना गाता हूँ, बातें करता हूँ, और मुझे पता ही नहीं ऑटोमेटिक कार चल रही है, अभी वो ऑटोमेटिक चला रहा हूँ, गियर बदल रहा हूँ, सिग्नल के समय रुक रहा हूँ, फिर अपना साइड इंडिकेटर बता रहा हूँ, जो भी कुछ है वो ऑटोमेटिक कर रहा हूँ, उसके साथ साथ बातचीत कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। तो वह अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, इसको बोलते कि एक्सपर्टाइज है उसमें, या मास्टरी है। अभी क्या होता है कि हमें एनएलपी क्यों सीखना है, एनएलपी इसलिए सीखना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें मास्टरी घुसना चाहिए, मतलब उसमें वो लर्निंग जो है ना घुसना चाहिए सबकॉन्शियस माइंड में। और एनएलपी यदि आप करते तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ अपने को घुसाने का है, जो चीज़ सिखाने का है, जो चीज़ पक्की करने की है, जिसमें कॉन्फिडेंस आने का, वो चीज़ हो जाती है, एक्सपर्टाइज हो जाता है उसमें। तो वो नंबर तीन और नंबर चार की जो स्टेज है, वो स्टेज फास्ट करने के लिए एनएलपी का उपयोग किया जाता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो हम कर सकते हैं थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर का लर्निंग, एनएलपी से बहुत फास्ट होता है, इसलिए एनएलपी सीखना जरूरी है। मेरा ऐप है, वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर केळकर नाम का, और उसमें से आप अपॉइंटमेंट लेना, चैटिंग करना, पूछताछ करना कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।